देश धर्म कर्म ज्ञान योग से जुड़ी हर अपडेट लेकर हम आ रहे हैं आप सभी के बीच सिर्फ YouTube पर। घूंघट खोल के देखा तो चंद्रमा मस्तक पर बढ़िया विराजमान, जटाजूट गले में भुजंग। कहा प्रभु अब ये रास लीला आपको नहीं देखने को मिलेगी। भगवान गोपेश्वर बन गए और गोपेश्वर बन करके वही रह गए। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। और रास लीला प्रारंभ होती है, महारास हुआ, एक सखी और एक कृष्ण। कृष्ण जिसको पकड़े हुए हैं वो जानती है कि बस केवल मेरे साथ है, दूसरे के साथ नहीं है। ये भगवान की लीला देखिए, जो भी रास हो रहा है तो एक सखी के साथ अगर भगवान श्री कृष्ण है तो उसकी समझ में यही आता है कि अब दूसरे के साथ भी नहीं है। इस तरह से महारास भगवान ने किया है, इसको रास लीला कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। रसो वैसा, रस कौन है? परमात्मा रसीला है, रंगीला है और बड़ा चटकीला है। ये जमाने से निराला है गोपाल। तो आइए भगवान श्री कृष्ण महारास करते हैं और महारास करने के बाद में युगल गीत गाए हैं। गोपी और कृष्ण दोनों ने मिलकर के युगल गीत गाया है और सुदर्शन नाम के दैत्य का शंखचूड़ का संहार किया है। नारद जी सबके यहां पहुंचते हैं, चाहे वो दैत्य का घर हो, चाहे देवता का घर हो, चाहे मनुष्य का घर हो, सबके प्रिय, सबके हितकारी, सबके प्रिय हैं, सबके हितकारी हैं। कंस के यहां पहुंच गए। कंस ने नारद जी से बताया, जिस दैत्य को भेजता हूं वो लौट करके नहीं आता, वही मारा जाता है, पता भी नहीं चलता। तो नारद जी ने कहा, वहां दैत्य क्यों भेजते हो? उन्हीं को बुला लो जिनको मारना चाहते हो। और नंद बाबा के बेटे हैं बलदाऊ और कृष्ण, वहीं रहते हैं, वसुदेव के बेटे हैं, तुम उनको बुला लो। और बुलाने के बाद में तुम्हारे यहां पर कुबलाया पीर नाम का हाथी है, शल तोशल मुष्टिक चाणूर जैसे पहलवान है, उनसे मरवा डालो। क्यों वहां भेजते हो? कहा उनको लाने कौन जाएगा? कहा ये क्रूरता का काम अक्रूर करेंगे, नाम अक्रूर और काम करेंगे क्रूरता का। नाम तो रखा जाता है बड़ा सुंदर, लेकिन नाम के अनुसार काम नहीं होता है। नाम अक्रूर है, क्रूरता का काम करेंगे, जा करके भगवान को बुला करके लाएंगे। अब बात तय हो गई, अक्रूर बुलाए गए, अक्रूर ने जाने से इनकार कर दिया। जान गए कि ये बुलाएगा, बालकों को मारेगा और कलंक मेरे मस्तक पर लगेगा। तो देव ऋषि नारद अक्रूर को बाहर बुला करके ले गए, अलग बुला करके ले गए और समझाया, चले जाओ, अब इसकी मृत्यु का समय सन्निकट आ गया है और ये मरेगा। तुम जाओ, दोनों बालकों को ले आओ, वो बड़े बलवान हैं, उनकी चिंता न करो। अक्रूर जी तैयार हो गए, जाने को तैयार हो गए। आके तक गई तो गोष्ठ है मनिष्टो वृषभा सुना। अक्रूर जी तैयार हो गए और बड़े प्रसन्न हुए। कृष्ण कृष्णे पिते सर्वे गोविंदम शरणम ययु, मैं भगवान की शरण में जाऊंगा, भगवान का दर्शन मिलेगा। कंस को धन्यवाद दिया जो इस काम के लिए अक्रूर को चुना। अरे भाई, भगवान का दर्शन मिल रहा हो और अगर कंस कह रहा हो चले जाओ तो कोई बात नहीं, मुझको भगवान के दर्शन मिलेंगे। तो भगवान के दर्शन की लालसा से अक्रूर जी रथ पर सवार हुए और रथ पर सवार होकर वृंदावन की यात्रा किया। वृंदावन में पहुंचते हैं,
बाबा आनंद के यहाँ सायंकाल में पहुंचे। सायंकाल को धोली काल में रथ खड़ा हो गया। नंद बाबा ने आने का कारण पूछा। पहले तो सेवा किया, स्वागत किया, जलपान कराया, आने का कारण पूछा। मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला है, महाराज कंस ने आपको निमंत्रण दिया है और आप बालकों को साथ लेकर चले। बाबा आनंद ने स्वीकृति दे दिया कि प्रातः काल चलूंगा। जिस समय वृंदावन की सखियों में ये बात फैल गई कि भगवान कल मथुरा जाएंगे तो सब नंद बाबा के द्वार पर एकत्रित होने लगी। आए अक्रूर क्रूर बन के ब्रज मंडल में, बात ब्रज बालन के कानों में पड़ गई। पौड़ी पौड़ी नंद पौड़ी द्वार पर बैठी बैठी, मानव मूर्ति हुए दारू पैगड़ गई। मानव मूर्ति बन गई हो सब, एक तरफ से बैठ गई। और आज मैया ने कन्हैया और बलदाऊ जी को अपने बगल में लिटाया। यशोदा मैया ने कन्हैया और बलदाऊ को बगल में लिटाया, मुंह चूमा, बालों को सहलाया और कहा, कन्हैया अगर माता का अधिकार पाकर मैंने तुझको रस्सी में बांध दिया हो बेटा तो क्षमा कर देना। अगर दही दूध मक्खन खाने में भूख लगी हो, मुझको देने में विलंब हो गया हो तो क्षमा कर देना। कन्हैया अच्छा तुम क्या लौट के आओगे? अरे मैया आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों लौट आऊंगा। मैया ने कहा, कन्हैया मुझको विश्वास नहीं हो रहा। मैया का मन कह रहा है कि अब कन्हैया लौट के नहीं आएगा। रात भर बातचीत होती रही, मैया नहीं सोई, ना कन्हैया सोए ना बलदाऊ जी सोए। एक तो मेला देखने की लालसा कि मेला देखने को मिलेगा, और दूसरी मैया का स्नेह, मैया का प्रेम। मैया बार बार कह रही, कन्हैया क्षमा कर देना, अगर मैंने तुझको कुछ कह दिया हो तो बुरा मत मानना। ये सब बातचीत करते करते प्रातः काल हो गया, अरुणोदय हुआ। मरीज माली दिनकर भास्कर सूर्य नारायण उदय हुए। अक्रूर जी स्नान संध्या वंदन सबसे निवृत्त होकर तैयार हुए। भगवान श्री कृष्ण तैयार हो गए, बाबा आनंद तैयार हो गए और सब ग्वाल बाल तैयार हो गए और रथ पर सवार हो गए। सखियां आकर के खड़ी हो गई। हम चलेंगी हाय, अकेले जाओगे हमको छोड़ करके? हम चलेंगी हाय, हम चलेंगी हाय, हम चलेंगी हाय, रथों पे चढ़ी नहीं। सब रथ पे चढ़ गई, हम चलेंगी, हम चलेंगी, हमको भी संग लेकर के चलो। भगवान श्री कृष्ण सबको उतारते हैं और उतारने के बाद में समझाते हैं, लेकिन कोई भी सखी मानने को तैयार नहीं होती है। और भगवान श्री कृष्ण सभी सखियों को समझाते हैं। सखियां ब्रह्मा जी को उलाहना देती हैं, कहती है, विधाता अगर तूने संयोग बनाया था तो वियोग क्यों बनाया? अरे विधाता तू संयोग की रचना किया था तो वियोग क्यों बनाया? अहो विधाता स्तवन क्वचित दया, अरे तू बड़ा क्रूर है। एक तो अक्रूर आया है क्रूर बनकर, दूसरे विधाता तूने अगर संयोग बनाया था तो वियोग न बनाता। आज वियोग न बनाए होते ब्रह्मा तो मेरा और कृष्ण का वियोग न होता। संयोज मैत्रा प्रण एन देहिना, जो भी देहधारी है सबसे ज्यादा कष्ट वियोग में होता है। जब वियोग किसी का होता है तो जितना कष्ट वियोग में होता है उतना अन्यत्र कहीं नहीं होता है,
तो मुझको भी योगिनी बना करके तुम छोड़ रहे हो ब्रह्मा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।